श्री सनातन धर्म राम मंदिर जालंधर छावनी की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी का गुणगान जतिन कुमार गोल्डी, नरेंद्र कुमार, एनके रविकांत, मीनाक्षी शर्मा, अनन्या शर्मा द्वारा भजन गाकर समा बांधा गया। इस भजन संध्या का मुख्य आकर्षण उभरती हुई गायिका अनन्या शर्मा रही, जिसने बालाजी के भजनों का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। जिसके उपरांत पंडित राजू द्वारा बालाजी की आरती की गई और मंदिर की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया। तो वहीं श्री राम मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान ने भजन संध्या में आए लोगों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर रीतिका, हेजल, आकांक्षा, गीतांजलि, अनन्या, प्रोमिला रानी, ममता, किरण, क्षमा, गीतू, उमा, लक्ष्य, प्रिया और कैंट के धार्मिक एवं सामाजिक लोग भी इसमें शामिल रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। जो कि अज मंगलवार को हर साल की तरह जब चौकी होंगी, अज भी बालाजी की चौकी, जो कि आनंद बहुत आया। छोटी गुड़िया ने आके बहुत बालाजी के नाल सारे जोड़िया। असी इन यही कहते कि हर मंगलवार आके इतने हाजिरी लवाया करूंगी, और जिस तरह सारे जने आए हैं इस तरह ही आते रहा करो, और बाबा जी का आशीर्वाद भी लेते रहा करो। सनातन धर्म रामा मंदिर में बालाजी की मूर्ति स्थापना हुई, जिस दिन से स्थापना हुई है उसी दिन से रौनक चढ़नी लगी है। बाबा जी के भक्त बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। आज हमारी एक गुड़िया, नन्नी सी गुड़िया, जो कि नहर बचनों में जो भजन गाते हैं, जो बच्चे नहीं अच्छे सिखाते, इन्होंने अच्छे अच्छे भजन गाए और सारे संगत को निहाल कर दिया और नाचने में भी मजबूर कर दिया। हम इस बच्चे को बहुत दिलों से आशीर्वाद देते हैं, ये तरक्की करे और ऊंचाइयों को हाथ लगाए। हम शीतल पेठी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बालाजी के हर कीर्तन, ये चौथा कीर्तन है, कीर्तन में आते हैं, संगत आती है और हर जल वाले सारे आते हैं भाई हमारे, जिन्होंने खींच के जहाँ पूरे पंजाब में और हिंदुस्तान में जाती है। हम फिर शीतल मिर्च का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे भंडारा होगा, भंडारा हर मंगलवार होता है। जिन पर कृपा राम की हो गई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज अनन्या बेटी ने अपने भंजनों द्वारा साक्षात बालाजी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी तो बात ही क्या है, मैं बाहर से जब आ रहा था तो लगा कैसे कोई कैसेट चल रही है कि नन्ही सी बच्ची बड़ी मधुरवाद में, और इसका चेहरा, इसकी मासूमियत इसकी आवाज में झलकती है। महारानी से ये अरदास है, लड़की ऐसी खूब अच्छा गाती रहे और अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करे।